चैनल निशा किचन। आज मैं एक और नई वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा ऑन पैन। तो बिना माइक्रोवेव और बिना ओवन के हम आज गैस में पैन में पिज्ज़ा बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैन में हमारी पिज्ज़े की रेसिपी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स हम आधा चम्मच छोटा चम्मच सॉल्ट डालेंगे, एक चम्मच शुगर डालेंगे, देखिए फ्रेंड्स चीनी अच्छी तरह से डालेंगे, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा आधा छोटा चम्मच डालेंगे, बेकिंग पाउडर आधा भर के आधा छोटा चम्मच डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। आधे में दही डालेंगे, आधा कप मैंने दही लिया है, दही से हमारा मैदा अच्छी तरह से भूनेंगे, रेडी करेंगे। आज से हम मैदे को रेडी करेंगे, डो बनाएंगे अच्छा सा। फ्रेंड्स मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, आप मेजरिंग कप से अच्छी तरह से मेजर करके तभी ले सभी चीज़ों को। पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से डो, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से हमें डो रेडी करना है। थोड़ा सा पानी डाल के डो रेडी करेंगे, सॉफ्ट हमें डो बनाना है। ऑयल डालेंगे, वेजिटेबल ऑयल रिफाइंड ऑयल डाला मैंने, आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं अच्छी तरह से। फ्रेंड्स देखिए हमारा आटा रेडी हो गया है, डो अच्छी तरह से रेडी हो गया। अब इसे सूखा मैदा लगाएंगे, यूं करके अच्छी तरह से सूखा मैदा लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यूं करना है, अच्छी तरह से एक बार और सॉफ्ट करेंगे सूखा मैदा लगा के। ओके ओके फ्रेंड्स निकालेंगे करके, सीम करना है इसकी रोटी भी लेंगे, इसकी हमें बेस रेडी करना है करके। आप किचन प्लेटफॉर्म में भी आप यूं बेल सकते हैं, बेस रेडी कर सकते हैं। फोक से अब बोल करेंगे अच्छी तरह से हमारी, जब हम सेकें बेस को तब। फ्रेंड्स हमारा बेस रेडी हो चुका है, अब पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे चारों तरफ अच्छी तरह से, हमें पिज्ज़ा सॉस को स्प्रेड करना है अच्छी तरह से। ये फ्रेंड्स चारों तरफ से लगाएंगे, हर तरफ में अच्छी तरह से लगाना है। मोजरेला चीज़ डालेंगे, फ्रेंड्स हमें मोजरेला चीज़ ही यूज़ करनी है हमारे पिज्ज़ा में, तभी हमारा पिज्ज़ा अच्छे से चीज़ी बनेगा। अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे फ्रेंड्स करके, टॉपिंग को ऊपर से रखेंगे। मैंने छोटे टमाटर लिए हैं फ्रेंड्स, ऐसे करेंगे और शिमला मिर्च को अच्छी तरह से ऊपर में रखेंगे। अच्छी तरह से हमें डेकोरेट करना है हमारे पिज्जा को फ्रेंड्स, अच्छी तरह से। स्वीट कॉर्न डालेंगे एक एक करके, अच्छी तरह से हमें टॉपिंग को ऊपर से डेकोरेट करना है पिज्जा को हमारे। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन फ्रेंड्स आप ज़रूर दबाइए कि आपको मेरी
वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छी तरह से हम कॉर्न को ऊपर से रखेंगे और उसे फिर हम मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से हमें चीज़ को ऊपर से स्प्रेड करना है। चिली फ्लेक्स डालेंगे, मिक्स हर्ब ऑरिगैनो वगैरह भी आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स। काली मिर्च का पाउडर ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है हमारे पिज्जा को। पिज्जा में ज़रा सा सॉल्ट डालेंगे ऊपर से, आप मिक्स हर्ब ऑरिगैनो वगैरह सब डाल सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने पैन गरम कर दिया है, रख दिया गैस में, गैस भी ऑन है। हमें मीडियम टू लो फ्लेम में हमें पिज्जा को पकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यूँ ऐसे आस्ते से इन्हें ओके इन्हें पैन में रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें पिज्जा को पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूँ लीड लगा के पैन की फ्लेम ढक के मीडियम टू लो फ्लेम हमें पिज्जा को हमें 10-15 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स पिज्जा को पकाने। बीच बीच में फ्रेंड्स आप देखते रहिएगा कि हमारा पिज्जा रेडी हुआ है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे चीज़ मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह से, यानी हमारा पिज्जा रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके अब निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूँ आराम से देखिए फ्रेंड्स निकालना है कि हमारा पिज्जा गर्म है अच्छी तरह से। नीचे से ही बेस देखिए फ्रेंड्स पक चुका है। देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से पक चुका है नीचे से भी। पैन पिज्ज़ा बन के रेडी है। मैंने यूँ पिज्ज़ा कटर से कट कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा पिज्ज़ा बन के रेडी है। देखिए फ्रेंड्स कितना चीज़ी पिज़्ज़ा बन के रेडी है। देखिए फ्रेंड्स हमारा चीज़ी पैन पिज़्ज़ा बन के रेडी। आप भी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।